दोस्तों, इस बात से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि जितना एक फिल्म को हिट बनाने के लिए फिल्म के लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो उतना ही फिल्म की सफलता को सातवें आसमान पर पहुंचाने में हमारे बॉलीवुड विलन का भी अहम योगदान होता है, जो अपनी नकारात्मक भावनाओं और क्रूरता से बड़ी बड़ी चालें चलता है और हीरो को हराने के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है। और यही वो सभी चीजें हैं जो दर्शकों को फिल्म देखने के लिए मजबूर करती हैं। और इन्हीं खलनायकों के किरदार को निभाते हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई कलाकार। लेकिन दोस्तों, आप उन कलाकारों के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप उनकी रियल लाइफ बहू के बारे में जानते हैं, जो खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आती हैं? तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्मों में खलनायक के किरदार निभाने वाले अभिनेताओं की रियल लाइफ बहुओं से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, शक्ति कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में गोगो का टाइटल हासिल करने वाले अभिनेता शक्ति कपूर को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने 80 से लेकर 90 के दशक में कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ डॉटर इन लॉ के बारे में, तो बता दें कि इनके बेटे का नाम है सिद्धांत कपूर, जिनकी अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई है और इनकी बहू लुक वाइज किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। नंबर दो, अमजद खान। दोस्तों, अगर आपने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म शोले देखी होगी तो आपको गब्बर का किरदार तो जरूर याद होगा, जिसे अभिनेता अमजद खान निभाकर दर्शकों की पहली पसंद बन गए थे। लेकिन अगर बात करें इनकी बहू के बारे में, तो इनकी बहू का नाम रुमाना अचवा है, जो कि इनके बड़े बेटे शादाब खान की पत्नी है, जिनसे इनके बेटे ने साल 2005 में शादी की थी, जो कि बतौर हाउसवाइफ अपने घर को बखूबी संभालती हैं। पर अफसोस की बात तो ये है कि अमजद खान कभी भी अपनी बहू से मिल नहीं पाए। नंबर तीन, सुरेश ओबेरॉय। सुहाग, तेजाब और सोल्जर जैसी कई फिल्मों में अपने नेगेटिव किरदार से हर एक शख्स के दिलों में बसने वाले अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने अपने करियर में नकारात्मक किरदार से खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अगर बात करें इनकी बहू के बारे में, तो उनकी बहू का नाम प्रियंका अलवा ओबेरॉय है, जो कि इनके इकलौते बेटे विवेक ओबेरॉय की पत्नी हैं और काफी शाही घराने से ताल्लुक रखती हैं। आपको बता दें कि ये ससुर बहू की जोड़ी बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ियों में से एक है, जिनके बीच काफी रिस्पेक्ट और प्यार भरा रिश्ता है, जिसकी झलक आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नंबर चार, कुलभूषण खरबंदा। फिल्म शान में शाकाल की जबरदस्त किरदार को निभाकर सभी के मन में खौफ पैदा करने वाले कुलभूषण खरबंदा की एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की बहू के बारे में, तो आपको बता दें कि कुलभूषण खरबंदा का बेटा नहीं है, इसलिए बहू कहां से होगी। नंबर पाँच, मुकेश ऋषि। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी खलनायकी के दम पर सभी का मनोरंजन करने वाले अभिनेता मुकेश ऋषि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे खूंखार खलनायकों में से एक माने जाते थे। लेकिन अगर बात करें इनकी बहू के बारे में, तो बता दें कि इनके बेटे राघव ऋषि ने अभी तक किसी लड़की से शादी नहीं की और ना ही वो किसी को डेट कर रहे हैं, इसलिए हाल फिलहाल इनकी बहू नहीं है। नंबर छह, गुलशन ग्रोवर। बॉलीवुड फिल्म देखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अभिनेता गुलशन ग्रोवर से अनजान हो, जिन्होंने हर एक फिल्म में अपने जबरदस्त नकारात्मक किरदार से हीरो तक को मात दी है। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ डॉटर इन लॉ के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके बेटे संजय ग्रोवर ने अभी तक किसी से शादी नहीं की है, इसलिए इनकी अपनी कोई बहू नहीं है। तो दोस्तों, आपको इन बॉलीवुड अभिनेताओं में से किस अभिनेता का फिल्मों में सबसे खूंखार किरदार लगा था, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।